उत्तराखंड चमोली रे ऋषि गंगा रे बन्या जोगो सृष्टि होइतिबा भयंकर परिस्थिति परे युद्धकालीन भितरे उद्धार कार्य जारी रहिछि। तपोवन स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रे वर्तमान 40 रो 50 जन श्रमिक फसि रहिथिबा आशंका करा जाउछि। भारतीय सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ एवं उत्तराखंड पुलिस फसिथिबा श्रमिकंकु उद्धार करबा पई युद्ध स्तर रे काम करूछन्ती। एहि सुडंग 2.5 किलोमीटर लंबा रहिछि किंतु वर्तमान सुधा केवल 70 रो 80 मीटर सफा करा जाय परिछि। वर्तमान सुधा 27 जन को उद्धार करा जायथिबा बेले विभिन्न अंचल रो 19 जन को मृतदेह उद्धार होइछि। मिट्टी को क्लियरिंग की जा रही है और इंजीनियरिंग विंग जो आर्मी का है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है और लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा क्लियरेंस हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां हो सकता है लोग जीवित मिले। 153 मिसिंग बताए जा रहे हैं जो कि आंकड़ा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर देहरादून से मिला है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अंदाज किया जा रहा है कि 153 में से 40-50 जो है टनल में ही फंसे हुए हैं। टनल में जो मेजॉरिटी नंबर्स हैं वो 40 तक भी हो सकते हैं, 50 तक भी हो सकते हैं, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए फोकस वहां है। बाकी लोगों के बह जाने की आशंका है और अगर कहीं वो जिंदा है या फंसे हुए हैं तो उस पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो रिकवर हुई है और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आईटीबीपी, सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है।